ठीक है, स्वागत आपका आज के मैच में। तो आईपीएल 2020 का 13वां मैच हो रहा है मुंबई और पंजाब के बीच। तो इस मैच में मैंने गेम का जो साउंड है वो ऑन रखा है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको गेम का साउंड ऑन चाहिए या ऑफ। तो यहाँ पर मुंबई ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। बढ़िया शुरुआत शमी की ओर से, नेक्स्ट बॉल शर्मा को, लेकिन बढ़िया शॉट यहाँ पर रोहित शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। 4 रन के लिए खेला है इस बॉल को। पांचवी बॉल, अब की बार लेग साइड की तरफ घुमाया है बॉल को, फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे और बॉल जाएगी 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट लगाते हुए रोहित शर्मा। लास्ट बॉल ओवर की, लेकिन अब की बार जमीन से खोद कर निकाला है बॉल को, 6 रन के लिए भेजा है पीछे की तरफ। बढ़िया शॉट क्विंटन डिकॉक ने पहली ही बॉल पर लगाया है, बड़ा शॉट 6 रन के लिए। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, एक बार फिर से किया है कदमों का इस्तेमाल सामने की तरफ। बढ़िया टाइमिंग, मिलेंगे 4 रन। चौथी बॉल, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेकिन अब की बार खराब टाइमिंग और विकेट जाएगा यहाँ पर। तो रहमान ने विकेट निकाला है, बढ़िया बॉलिंग और एक बड़ा झटका यहाँ पर मुंबई को लगता हुआ। क्विंटन डिकॉक 15 रन बनाकर आउट हुए और रेल आए हैं और बढ़िया शॉट यहाँ पर, गैप में जाएगी बॉल लेकिन टाइमिंग खराब, लेकिन 4 रन मिलेंगे। अगली बॉल पीछे की तरफ खेला है, फील्डर नीचे होंगे और यहाँ पर विकेट जाएगा। तो सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा झटका लगता हुआ मुंबई इंडियंस को। तो बढ़िया बॉलिंग पंजाब की ओर से, 8 रन बनाकर आउट हुए सूर्य कुमार यादव। कृष्णप्पा गौतम आए हैं, लेकिन बढ़िया शॉट ईशान किशन ने लगाया है पहली ही बॉल पर, अपना खाता खोला है। रोहित शर्मा खेलेंगे, बढ़िया शॉट सामने की तरफ 4 रन के लिए। तो कृष्णप्पा गौतम की लास्ट बॉल को मिले 4 रन, 15 रन आए इस ओवर से। ग्लेन मैक्सवेल इनिंग की लास्ट बॉल, मिलेंगे 4 रन। बढ़िया शॉट खेलते हुए यहाँ पर फील्डर पहुँच नहीं पाएंगे और पहली इनिंग की समाप्ति होती हुई। तो 69 रन बनाए हैं यहाँ पर मुंबई ने, बड़ा टारगेट 70 का टारगेट मिला है पहली बॉल आती हुई और डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग की। नासर गुल्टरनायल, लेकिन यहाँ पर क्रिस गेल को रोकना मुश्किल है, पहली ही बॉल पर अपना खाता खोला है चौके के साथ। चौथी बॉल की बार बढ़िया शॉट लगाया है, दो फील्डर के बीच में से जाएगी और क्रिस गेल जाने नहीं जाते हैं ऐसे शॉट खेलने के लिए। और यहाँ पर बड़ा शॉट ओवर की लास्ट बॉल पर आता हुआ, कुणाल पांडे आए हैं, एक बार फिर उसी दिशा में खेला है क्रिस गेल ने, बढ़िया शॉट 4 रन के लिए। तो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर क्रिस गेल। राहुल चाहर आए हैं, लेकिन यहाँ पर खचा कर मारा है राहुल ने। ट्रेंट बोल्ट आए हैं नया ओवर लेकर, यहाँ पर स्वीप किया है, फील्डर के बीच में से बॉल को निकाल दिया है, खराब टाइमिंग लेकिन बॉल पहुँच जाएगी 4 रन के लिए। बढ़िया गैप निकाला है केएल राहुल ने, राहुल जाने जाते हैं ऐसे शॉटों के लिए, लेकिन यहाँ पर अपील हुई है और अंपायर ने नॉट आउट दिया है। तो रिव्यू तो अपन लेंगे क्योंकि 2 रिव्यू हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर स्निक्को ने साफ दिखाया है कि बॉल काफ़ी दूर है बैट से, तो यहाँ पर मुंबई का रिव्यू लॉस्ट होएगा। लास्ट ओवर लेकर आए हैं, बड़ा शॉट पहली ही बॉल पर क्रिस गेल के द्वारा, 2 बॉलों में चाहिए 6 रन। स्वीप किया है, 4 रन मिलेंगे इस बॉल पर, बढ़िया शॉट लगाते हुए केएल राहुल। तो अब लास्ट बॉल में चाहिए 2 रन जो कि काफ़ी ईजी है। उड़ाया है बॉल को, कैच का कॉल है और यहाँ पर विकेट मिलेगा। तो बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के द्वारा, लास्ट बॉल में चाहिए थे 2 रन जो कि बढ़िया सेव किए जसप्रीत बुमराह ने, जिसके सारे मुंबई इंडियंस को जीत मिली है 1 रन से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो अपना 1 लाइक वीडियो को अवश्य देना। आईपीएल के सारे मैचेस देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे एक और हाईलाइट्स में।